गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ मीनू। टुडे आई विल टीच यू क्लास सेकेंड चैप्टर 8, फन विद पेंट। वॉट इज पेंट? पेंट इज अ सिंपल प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट बेसिक ग्राफिक आर्ट ऑन अ कंप्यूटर। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल सीखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंट विंडो को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च बॉक्स में हमें पेंट को टाइप करेंगे। हमने पेंट यहाँ टाइप किया, ठीक है? स्क्रीन पर आपको पेंट शो हो रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर हम पेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ हमने एंटर किया तो पेंट विंडो यहाँ ओपन हो जाएगी, जहाँ हमें ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है? कुछ भी ड्रॉ करना वो होता है, इसे हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया। और ये जो आपको नेम शो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ये टैब होता है, इसे हम टूल बार बोलते हैं, जिसमें पेंसिल, इरेजर, टेक्स्ट मैग्नीफायर एंड ब्रशेस, ये सब होते हैं। इसे हम ब्रश बोलते हैं, ब्रश ग्रुप। इसे हम शेप बोलते हैं, इसे हम शेप ग्रुप बोलते हैं। एंड पेंसिल की या शेप की या कलर की साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम शेप का साइज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कलर फर्स्ट। कलर फर्स्ट फोरग्राउंड कलर के लिए यूज़ होता है एंड कलर सेकंड बैकग्राउंड कलर के लिए। इसे हम बोलते हैं कलर पैलेट। क्या बोलते हैं? कलर पैलेट। इस चैप्टर में हम टू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ओपनिंग एमएस पेंट, एमएस पेंट को कैसे ओपन किया जाता है, एंड यूजिंग द टूल्स ग्रुप, यानी कि उसके जो टूल्स होते हैं एमएस पेंट के, उसके टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस चैप्टर। ड्राइंग इज ऑलवेज फन एज वी आर एबल टू ड्रॉ आर थॉट्स एंड इमेजिनेशंस एंड मेक दैम ब्यूटिफुल। ड्राइंग हमेशा इंजॉयबल होती है बिकॉज हम अपने थॉट्स और इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करने और ब्यूटिफुल बनाने में ड्राइंग हमारी हेल्प करती है। लेट अस लर्न हाउ वी कैन ड्रॉ एंड कलर ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कलर और ड्रॉ हम कैसे कर सकते हैं, ओके? इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ वी कैन वर्क ऑन द एमएस पेंट प्रोग्राम। इन एमएस पेंट प्रोग्राम वी यूज डिफरेंट टूल्स। फर्स्ट ओपनिंग एमएस पेंट। एमएस पेंट ओपन कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने अभी बताया हुआ है आपको, ठीक है? टू ओपन पेंट, पेंट को पहले ओपन करेंगे। टाइप पेंट इन द सर्च बॉक्स एंड क्लिक ऑन द पेंट ऑप्शन। क्या करेंगे हम, सर्च बॉक्स में जाके पेंट टाइप करेंगे और पेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव रीड अबाउट पेंट विंडो। आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पेंट विंडो के बारे में पढ़ा होगा। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टाइटल बार। टाइटल बार इज द बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। टाइटल बार पेंट विंडो की स्क्रीन की टॉप पर होता है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ फाइल एंड प्रोग्राम। यह फाइल और प्रोग्राम के नेम को डिस्प्ले करता है। सेकंड पार्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। कंटेन कॉमनली यूज्ड बटन टू डू सिंपल टास्क। सिंपल टास्क को करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ किया जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार एक शॉर्टकट के रूप में वर्क करती है, जिसमें आपके लिए मोस्टली यूज आने वाली कमांड होती हैं, लाइक ए सेव, न्यू, कट, कॉपी, अंडू, प्रिंट एक्सेट्रा। थर्ड इज रिविन। रिविन कंटेन टू पार्ट्स। रिविन में टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज टैब, सेकंड इज ग्रुप। टैब, टैब हैज़ डिफरेंट टूल्स विच आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। टैब्स में डिफरेंट टूल्स होते हैं जो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड होते हैं। सेकंड इज ग्रुप। ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट कमांड। ग्रुप्स में भी डिफरेंट कमांड्स की सेट होती हैं, लाइक एज कलर पैलेट, शेप्स एंड इमेज टूल्स, क्लिप बोर्ड्स। ये ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग सेट्स में डिवाइड होते हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया को कैनवास भी कहते हैं। कवर द लार्जेस्ट पार्ट इन द पेंट विंडो। दिस इज़ यूज टू मेकिंग एंड कलरिंग ड्राइंग। ड्राइंग एरिया एक लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल बार। टूल बार कंटेन ऑल द टूल्स विच आर यूज्ड इन
ड्राइंग, सभी टूल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने में हेल्प करते हैं। यूजिंग द टूल्स ग्रुप, द टूल्स इन द टूल बार हेल्प अस इन मेकिंग ड्राइंग्स। ईच टूल हेल्प अस टू डू डिफरेंट वर्क। वी यूज डिफरेंट टूल्स बाय क्लिकिंग एंड सेलेक्टिंग देम। टूल्स बार में जो टूल्स होते हैं वह हमारी ड्राइंग बनाने में हेल्प करते हैं। सभी टूल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने में हेल्प करते हैं। क्लिक और सेलेक्ट करके हम टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम टूल्स। फर्स्ट इज पेंसिल टूल। दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन्स। फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज पेंसिल टूल। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द पेंसिल टूल। सबसे पहले हम टूल बार में जाके पेंसिल टूल को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप इज सेलेक्ट अ कलर इन विच यू वॉन्ट टू ड्रॉ फ्रॉम द कलर पैलेट। फिर नेक्स्ट स्टेप इज हम कलर पैलेट में जाएंगे। कलर पैलेट में जाके जो भी हमें जिस भी कलर में हमें ड्रॉ करना है उस कलर को सिलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड स्टेप इज क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू ड्रॉ। माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करेंगे और जिस भी डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है उस डायरेक्शन में ड्राइंग एरिया में पॉइंटर को ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट इज कर्व टूल। दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड कर्व। टू यूज कर्व टूल फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक एंड सेलेक्ट द कर्व टूल इन द शेप्स ग्रुप। सबसे पहले हम ग्रुप में जाएंगे, शेप ग्रुप में, उसमें जो भी हमें शेप चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप इज सेलेक्ट द थिकनेस। उसके बाद हम कर्व की थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे। साइज में जाएंगे, साइज ग्रुप में जाके हम कर्व की थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द कलर। उसके बाद कलर पैलेट में जाकर हम कर्व की हमें जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप इज क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू द ड्रॉ अ लाइन एंड क्लिक ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन। ड्राइंग एरिया पर लाइन ड्रॉ करते हुए पॉइंटर को ड्रैग करेंगे और दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट द फंक्शन ऑफ पेंसिल टूल इन पेंट। दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन्स। कलर टूल। दिस टूल इज यूज टू फिल कलर्स इन द ड्राइंग। ड्राइंग में कलर फिल करने के लिए कलर टूल का यूज किया जाता है। फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज कलर टूल। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द कलर वन टू सेट द फोरग्राउंड कलर। हमें फोरग्राउंड कलर के लिए कलर फर्स्ट पर कोई भी कलर सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन द कलर टू। उसके बाद कलर टू पर क्लिक करना है तो सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए हमें कलर टू पर सेलेक्ट करना है और कलर फर्स्ट के लिए हमें किस पे सेलेक्ट करना है, फोरग्राउंड कलर के लिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एनी शेप फॉर एग्जांपल ट्रायंगल। यानी कि सबसे पहले हम कोई भी शेप में जाके कोई भी एक शेप सेलेक्ट करेंगे। लाइक हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट द सॉलिड कलर फ्रॉम फिल ऑप्शन। उसके बाद जो आपका शेप का ऑप्शन है, शेप के राइट साइड एक फिल का ऑप्शन है। फिल ऑप्शन पे जाने के बाद सेकंड नंबर पे सॉलिड कलर को हम सेलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉ द ट्रायंगल हेयर। उसके बाद हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। दिस टूल इज यूज टू राइट टेक्स्ट इन द ड्राइंग। ड्राइंग में टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं। टू यूज द टेक्स्ट टूल फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले हम टूल बार में जाके टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप इज क्लिक द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया। उसके बाद ड्राइंग एरिया पर हम क्लिक करेंगे पॉइंटर को और डॉटेड रेक्टेंगल बॉक्स। उसके बाद एक डॉटेड रेक्टेंगल बॉक्स होगा विद कर्सर इनसाइड ऐप है। उसके अंदर क्या होगी, कर्सर होगी, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या करना है, टाइप द टेक्स्ट। टेक्स्ट को टाइप करना है, जो भी आपको टाइप करना है आप इसमें टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगॉन टूल। दिस टूल इज यूज फॉर मेकिंग पॉलीगॉन। फॉलो द गिविन स्टेप टू यूज़ द पॉलीगॉन टूल। फर्स्ट सेलेक्ट पॉलीगॉन टूल।
प्रेजेंट इन द शेप ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में जाके शेप ग्रुप में पॉलीगॉन टूल प्रेजेंट होता है। यू कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द लाइन यूजिंग द साइज बटन। उसके बाद हम साइज पे जाके इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। थर्ड इज सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द ड्राइंग एरिया क्लिक एंड ड्रैग टू द लाइन। ड्राइंग एरिया में क्लिक करके लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेस द माउस ऑन द पॉइंट वेयर यू वॉन्ट द एंड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट लाइन टू बी एंड क्लिक। उसके बाद माउस को उस पॉइंटर पर रखना है जहाँ भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन का लास्ट पॉइंट हो और क्लिक करें, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। द लाइन विल बी ड्रॉन। रिपीट टिल यू हैव मेड द शेप यू वॉन्ट टू ड्रॉ एंड डबल क्लिक एट द लास्ट पॉइंट टू क्लोज द शेप। उसके बाद आप जब भी जहाँ भी शेप को क्लोज करना चाहते हैं वहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। एंड सिक्स इज यूज द कलर टूल टू फिल द कलर यू वॉन्ट। उसके बाद हमें कोई भी कलर से जो भी हमने ड्राइंग ड्रॉ की है उसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एयर ब्रश टूल। वी यूज एयर ब्रश टू स्प्रे कलर इन द ड्राइंग। ड्राइंग में स्प्रे कलर के लिए हम एयर ब्रश का यूज करते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू यूज एयर ब्रश टूल। फर्स्ट क्लिक ऑन ब्रशेस। सबसे पहले हम ब्रशेस पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट एयर ब्रश, और वहाँ पे जाके हम एयर ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप्स। कलर ग्रुप्स में जाके कोई भी अपनी चॉइस का एक कलर सेलेक्ट करेंगे। यू कैन चेंज द साइज ऑफ द स्प्रे फ्रॉम द साइज बटन। उसके बाद साइज बटन में जाके स्प्रे कलर का साइज हम चेंज कर सकते हैं। क्लिक द माउस ओवर द पार्ट ऑफ द ड्राइंग वेयर यू वॉन्ट टू यूज एयर ब्रश। उसके बाद हम ड्राइंग के जिस भी पार्ट में एयर ब्रश का यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ कर्व। कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कर्व का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज कर्व। सेकंड डैश इज अ सेट ऑफ डिफरेंट कमांड। डिफरेंट कमांड का सेट क्या होता है, ग्रुप्स। डिफरेंट कमांड का सेट होता है ग्रुप। सेकंड इज ग्रुप। थर्ड टूल अलाउ यू टू राइट टेक्स्ट इन द ड्राइंग। हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि हमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करना होता है, टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल टूल का यूज करते हैं। तो फोर्थ इज पेंसिल। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। द थिकनेस ऑफ अ कर्व्ड लाइन कैन बी एडजस्ट। यस, कर्व लाइन की हम थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रू। द पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ ओनली स्ट्रेट लाइन। क्या हम पेंसिल टूल से ओनली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फॉल्स। सेकंड इज फॉल्स। ऑल द टूल्स हैव सिमिलर फंक्शन। सभी टूल्स में सिमिलर फंक्शंस होते हैं, फॉल्स। क्विक एक्सेस टूल वार कंटेन कॉमनली यूज बटन इन द पेंट। यस, फोर्थ इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पेंसिल टूल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड पेंसिल टूल। सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू फिल कलर इन द ड्राइंग। ड्राइंग में कलर फिल करने के लिए हम कलर टूल का यूज़ करते हैं। तो सेकंड का सेकंड कलर टूल। थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल अलाउ यू टू राइट अ टेक्स्ट इन योर ड्राइंग। ड्राइंग में टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन से टूल का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टूल। थर्ड का थर्ड टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ कैन यू सिलेक्ट फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी हमने चैप्टर में पढ़ा था। क्लिक द कलर फर्स्ट। कलर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे टू सेट द फोरग्राउंड कलर। और जो भी कलर हमें फोरग्राउंड कलर में चाहिए होगा वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द स्टेप टू ओपन पेंट प्रोग्राम। टू ओपन पेंट
टाइप पेंट इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में हम पेंट को टाइप करेंगे एंड क्लिक ऑन द पेंट ऑप्शन, और वहाँ पे पेंट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज राइट इज द व्हाट इज द यूज़ ऑफ कलर पैलेट। कलर पैलेट का यूज़ क्या होता है? कलर पैलेट कंटेन ऑल द कलर यू कैन यूज़ इन पेंट। पेंट में हमें जो भी कलर का यूज़ करना होता है वो कहाँ पे होता है? वो कलर पैलेट में होता है। तो कलर पैलेट का यूज़ क्या होता है? पेंट प्रोग्राम में कलरिंग करने के लिए। तो यहाँ स्टूडेंट आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।